Also get you this now. Bollywood superstar Salman Khan arrived in Ahmedabad for the mega kite flying festival just this afternoon. But as Salman Khan and Narendra Modi tugged at their kite strings, the larger question of whether the Bollywood star endorsed Modi was really on everyone's mind. But Salman strategically ducked the PM, the Prime Minister poser, saying that the best man must win. And a rare and interesting photo op in Ahmedabad as both leaders took to the terrace of a residential building at the Kite Flying Festival. I think the best man for the country, the best man for the country, for all of us, God should decide that who is the best man for Bharat, for India. And the best man for our country should be the PM of this country. देखिए मेरी गुड मैन है मेरे सामने खड़े हैं यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर जब मैं यहाँ पर 9 साल पहले आया हूँ और फिर 4 या 5 साल बाद वापस आया मतलब 4 साल पहले यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर इतना डेवलपमेंट देखा मैंने आप ही बताओ क्योंकि मैं तो गुजरात का हूं नहीं मेरे मानने या ना मानने से कुछ होगा नहीं आपके मानने से अगर आप ये चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा मैं बंबई का रहने वाला हूं मैं यहां पर आया हूं लव सपोर्ट के लिए ये उत्सव पर्यटन प्रेमियों के लिए भी है और आज इस उत्सव को मनाने के लिए श्रीमान सलमान खान भी हमारे साथ जुड़े हैं पतंगोत्सव के माध्यम से टूरिज्म के डेवलपमेंट की जो हमारी कोशिश है उसमें आज सलमान खान का ये कार्यक्रम में आना नए रंग भरेगा मैं उनका स्वागत करता हूं आज आसाम में बिहू का पर्व मनाया जाता है मैं आसाम के सभी भाइयों बहनों को बिहू के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं आज तमिलनाडु में पोंगल का पर्व है मैं तमिलनाडु के भाइयों बहनों को मैं कौन आई हुआ वणक्कम के साथ पोंगल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज हमारे देश में ईद मिलाद का भी उत्सव मनाया जा रहा है मैं उन सभी भाइयों बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक प्रकार से आज का मकर संक्रांति का पर्व चतुर्रंगी पर्व मना है सलमान खान ने भी इंडोर्स कर दिया है अब सलमान नरेंद्र मोदी को मैंने सारे देश ने इंडोर्स किया है नरेंद्र मोदी को